मैं नासिर हुसैन आप सबका जे एन लर्निंग स्टार्स में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 को दरअसल मैं यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था, इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यह चैप्टर नंबर 2 वो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कौन हमारे लिए फायदेमंद है और कौन जो हमारे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फायदेमंद हो बेनिफिशियल हो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, वो हमारे क्या दोस्त है। और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें नुकसान होता है जो हमारे लिए हानिकारक है जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल हो तो हम लोग उसको फो बोलेंगे। फो का मतलब होता है शत्रु या फिर दुश्मन। दुश्मन का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या हो हार्मफुल हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे। ओके तो चैप्टर नंबर आप को प्लीज आप है ना ऊपर में लिख लेना प्रॉपर। आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो तो आप फिर वहां पे लिखना है इसको, राइट। मैंने लिखना भूल गया था। चलिए आप जब इसको यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको कंटेंट। कंटेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस वाले चैप्टर को हम लोग कैसे अच्छे तरीका से बेहतर ढंग से पढ़ सके हम लोग। इसका कंटेंट है मैंने बता दिया था पहले ही क्लास में कि कंटेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं कैसे हमने बनाया, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने देकर के आपको समझाया था। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कोई भी सब्जेक्ट को पहले आप पढ़ोगे तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे हो तो आपका एक ओवरव्यू थोड़ा सा मिल जाएगा, वो है इंट्रोडक्शन। सेकंड में रहता है, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने लिखा है तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेंगे जैसे वायरस हो गया आपका, फिर हो गया एल्गी हो गया, बैक्टीरिया, तो प्रोटोजोआ, तो अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहता कहाँ है। जाहिर सी बात है जहां इंसान भी रहता है यहां पर भी रहता है इंसान, कुछ जानवरों के उनके शरीर में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि चिंपांजीज वगैरह हो गए, इंसानों के भी ऊपर होते हैं हमारे टिश्यूज के ऊपर में कुछ होते हैं, जंगलों में भी होते हैं, अलग अलग जानवरों के बीच ही रहते हैं, कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। उसके बाद है फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमें उनसे क्या लेना देना, क्या हमें उनसे कोई फायदा है। अगर फायदा है तो जाहिर सी बात है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनके अगर फायदे भी हैं तो उनके नुकसान भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग में और प्लांट्स या फिर जानवरों में क्या लेना देना, आखिर उनसे कोई बेनिफिशियल है या नहीं है या फिर उसके लिए हार्मफुल हो। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अस का मतलब को मैंने आपको समझा दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरफ, अस में आप लोग हमें इन ह्यूमन बींग्स को भी रख सकते हो, साथ में एनिमल्स को भी रख सकते हो, साथ में हम लोग प्लांट्स को भी रखेंगे। मोस्टली अस का मतलब हो गया ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसान के लिए फायदेमंद हो तो हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंसान का क्या हो दोस्त हो। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे को हमारे किस हिसाब से हमारे लिए फायदेमंद है। पहला देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही का बनना और ब्रेड का जो बनने का प्रोसेस है इसी में से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है फंक्शन होता है, उन्हीं की वजह से हमें क्या दही मिल पाती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड में पढ़ेंगे मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है ये किस हिसाब से मेडिकल दुनिया में इसका किस हिसाब से इस्तेमाल होता है। और फिर हम लोग वैक्सीन पढ़ेंगे, बीमारियां भी होती है वायरस से, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जिस वक्त मैं वीडियोस में बना रहा हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में COVID-19 का प्रकोप चल रहा है तो वो क्या एक वायरस है, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए क्या होता है एक एंटीबॉडी भी होता है, कुछ वैक्सीन भी आते हैं। तो आ रही बात समझ में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इंसानों पे बीमारी लाता है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। सो फिफ्थ में रहेगा इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने की वजह से जो मिट्टी का
फर्टिलिटी को, उपजाऊ को बढ़ाता है। सिक्स नंबर पे है क्लीनिंग एंड द एनवायरमेंट, और उसके बाद हमारा जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने छह चीज को मैंने देखा, उसको समझने आपको रिवीजन करना है। जब भी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो क्विक रिवीजन में आसानी इतना ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा फ्रेंडली माइक्रोस्कोप ने सर ने पढ़ा है, तो अच्छा फ्रेंडली माइक्रोस्कोप पे हमने कितने तरह के देखे थे, हमने छह तरह के फ्रेंडली माइक्रोस्कोप है। इसका मतलब हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे छह तरह के फायदेमंद साबित होता है। फटाफट आप छह कर लोगे, आपको क्विक रिविजन में आसान हुई हो जाएगा, राइट। जब हम नंबरिंग सिस्टम नहीं करते तो आपको पता नहीं रहता कि अब पता चला कि अब मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, पता चला हमने एक दो तीन तो पढ़ लिया, पता नहीं मैं आगे कितने पढ़ने हैं। जब मैं नंबरिंग सिस्टम देता हूं तो आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगा। ओके, अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने तो फायदे के बात में देख लिया, अब हम लोग नुकसान क्या होगा इनसे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे इंसानों को क्या तकलीफें होती है। जाहिर सी बात है कि इनसे क्या होती है, हमें बहुत हानिकारक भी होता है, फायदेमंद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो नुकसानदायक भी है। इसी में हम लोग देखेंगे माइक्रो हार्मफुल का मतलब हमें क्या बीमार करेगा सबसे पहले, फिर इन्हीं में हार्मफुल माइक्रोइज्म का एक पॉइंट है, नंबर तो नहीं है पॉइंट है डिजीज को, कि बीमारी क्या होती है कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर इन्हीं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पहले देखेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से इंसानों में क्या है कुछ बीमारियां होती हैं, और फिर हम इन्हीं में ही देखेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये भी देखेंगे द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन ह्यूमन में। कम्युनिकेबल जो मतलब होता है उसका आमने सामने होना, उसके जैसे कोई छींकता है तो आप उनसे अवॉइड करो, नहीं करोगे तो आपको भी हो सकता है। तो इससे जो कि कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो आसानी से जो बीमारी एक इंसान को तो दूसरे को हो जाए ना, वो होता है कम्युनिकेबल डिसीज, तो इन्हीं में आ गया। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी, जिस वक्त मैं वीडियो में बना रहा हूं, इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अभी बर्ड फ्लू का प्रकोप चला हुआ है, जिसकी वजह से हजारों में लाखों की संख्या में बर्ड्स मर रहे हैं। तो ये सिर्फ नहीं होगा सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सिर्फ ह्यूमन को ही या फिर मनुष्य को ही नुकसान या फायदा पहुंचाता है, नुकसान जो पहुंचाता है किसको, एनिमल्स जानवर को भी पहुंचाते हैं, कई सारे जानवर को भी इनसे नुकसान होता है। और थर्ड में पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, किसमें होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, जो कि पेड़ सूख जाते हैं। अक्सर पौधों में ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं, पेड़ तो बड़े होते हैं वो कम ही मतलब स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, प्लांट्स हमारे वो छोटे होते हैं वो कमजोर होते हैं। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसमें अटैक आ जाए, कीड़े पड़ने लगे, तो किसी भी तरीके से हम समझ जाएंगे तो वो क्या होते हैं, मरने लग जाएंगे। सो प्लांट्स को भी इसको डिसीज बीमारियां होती है, तो उसको रोकने के लिए, इन सबको रोकने के लिए क्या एंटीबॉडीज भी होती है, वैक्सीन भी होते हैं। अब हम लोग फिर फोर्थ में देखेंगे फूड पॉइजनिंग, इन्हीं का पॉइंट है कि हमारे जो मतलब पेट खराब हो गया तो वही है फूड पॉइजनिंग। इंसान को जब होता है, जब वो स्पॉइल्ड खाना, जब खराब खाना वो खा लेता है, स्पॉइल्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह, तो क्या होता है उनसे उसका पेट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो फूड पॉइजनिंग कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खाने में पड़ने की वजह से, जिस वजह से खाना खराब हो जाता है, अगर वो खाना अगर कोई खा लेता है उनका पेट खराब हो जाएगा या फिर उसको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ये रही बात हमारी हार्मफुल की। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो रहेगा हमारा फिफ्थ हमारा जो है ना मेन पॉइंट है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एस के बारे में बोला था एक दो, अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में है फूड प्रिजर्वेशन, राइट। इसमें क्या है फूड प्रिजर्वेशन, कि हम खाना को कैसे बचाया जा सकता है, किस हिसाब से हम लोग खाना को खराब होने से बचाया जा सकता है। आप जानते हैं कि आज के डेट में कितने फास्ट फूड हो गए हैं, कहीं का कई दिन का खाना बना हुआ पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कई दिन का बना हुआ फिर भी हम तक सुरक्षित और अच्छा पहुंच पाता है, तो किसके वजह से, हम लोग फूड को अच्छे से प्रिजर्व कर पाते हैं ताकि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें एंटर होने से बचाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने में मिलने से बचाते हैं जो कि खाना को स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा। वो पहला मेथड वो है केमिकल मेथड, फिर हम खाना को बचा जा सकता है सेकेंड मेथड, उसका नाम है प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में
वो है प्रिजर्वेशन बाय सुगर। हम लोग चीनी को किसी भी खाने में मिलाने की वजह से किस हिसाब से हम लोग खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है हम लोग आगे देखेंगे। मैं सिर्फ एक में कंटेंट बता रहा हूँ आपको कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या वन बाय वन को मैं फिर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। फोर्थ पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। सिरका, विनेगर और ऑयल की वजह से जब हम किसी खाने पे या किसी चीज पे हम जब मिला देते हैं तो वो खराब होने से कैसे बचता है। फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को ज्यादा रखने से वो चीज खराब नहीं होती है, और कोई चीज ऐसा होता है जो कि हमारे ठंडा में ही जो कि कम टेम्परेचर में ही वो सही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूध ले लें, अगर हम फ्रिज में दूध को रखें तो क्या होता है हमें कई दिन तक जाता है, जब भी अगर उसे हम बाहर रख दें गर्मियों के दिनों में तो वो जल्दी क्या खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है ये तो आपने देखा ही होगा। सो हीट की वजह से हम जब उसी दूध को जब गर्म करके कुछ दिनों के बाद अगर नॉर्मल रखें तो कोई नहीं, जब उसी को हम ठंडा फ्रिज में रखेंगे तो कई दिन तक सही हो सकता है, राइट। तो फिर उन्हीं दूध को जब हम लोग ज्यादा टेम्परेचर करके रखते हैं कुछ और ज्यादा दिन तक रुक सकता है। कई सारे ऐसे चीज है जो कि हमें हीट करने से ही वो चीज खाने को हम बचाया जा सकता है। और रहेगा हमारा किसी चीज को हम ठंडा रखने पर ही, ठंडा चीजों पर जब इसको स्टोर करेंगे तब भी हमारा ये ज्यादा दिन तक जाएगा। अब सिक्स पॉइंट वो रहा स्टोरेज एंड पैकिंग। किस हिसाब से खाना को स्टोर किया जाता है और किस हिसाब से उनको पैकिंग की जाती है कि ज्यादा दिन होने के बावजूद भी एक लिमिटेड पीरियड रहता है टाइम का तो उनमें ये खराब ना हो। सो हमने देख लिया किस हिसाब से हम खाना को बचाया जा सकता है, हम कितने पॉइंट्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिक्स में है, चलिए इसी में ही हम लोग पेस्टुराइजेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। किसमें? अब फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है पेस्टुराइजेशन, हम उसको भी देखेंगे। अब सिक्स पॉइंट वो है डिस्कवरी। डिस्कवरी ये है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कई सारे साइंटिस्टों ने कई सारी चीजों की खोज की। वैक्सीन का किसने खोज किया, राइट। तो ऐसे सारे जैसे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की, तो ऐसे भी इस चैप्टर से कई सारे साइंटिस्ट है जिसने किस चीज की डिस्कवर की है, ये एमसीक्यूज का सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई सारे जो आपका जो स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं आप फिर ना कहीं भी कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम होता है स्कूल लेवल का, तो वहां पे क्या होता है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और एक अच्छा क्वेश्चन बनता भी है। अब छठा नंबर के बाद आ जाते हैं सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे है नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमारे एटमोसफेयर में किस हिसाब से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है हमारे पर्यावरण में वो क्या रहे फिक्स किया हुआ। आप जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है 71% क्या है नाइट्रोजन गैस है, तो वो हम लोग फिर देखने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग आठवें में देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल कि नाइट्रोजन साइकिल किस हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर को मेंटेन करता है, जिनको जितनी अमाउंट चाहिए नाइट्रोजन की उतनी कैसे नेचुरली कुदरती तौर पर वो सबको मिल जाते हैं। तो हम लोग कितने पॉइंट को हमने देखा कि हमें चैप्टर नंबर टू क्लास एट चैप्टर नंबर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म में को हम लोग कितने पॉइंट्स में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे टोटल 8 पॉइंट्स को, मैंने अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। प्लीज आप कंटेंट को बहुत अच्छे से आप देखने की कोशिश करें, इसको जब भी आप रिविजन करेंगे तो इस चैप्टर की गहराई तक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपकी जो कॉन्सेप्ट है उतने भी ज्यादा क्लियर होता हुआ आपको खुद महसूस होगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस चैप्टर से आपको कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप पहले से बेहतर कर पा रहे हैं। अब हम लोग शुरू कर देते हैं थोड़ा एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट हम शुरू करेंगे? वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बुक में थोड़ा सा अलग है लेकिन इस बुक के रिगार्डिंग इस चैप्टर को अच्छा से बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है मैंने वहां पे उसको इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और साथ में हाउ दे आर बेनिफिशियल, ये किस हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के लिए किस हिसाब से यह फायदेमंद साबित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। हम लोग आगे देखेंगे इसको, इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ। उसके बाद हम लोग इसी में क्या पढ़ेंगे एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान जानवर और प्लांट्स के लिए किस हिसाब से फायदेमंद है और इंसान एनिमल्स और प्लांट्स के लिए किस हिसाब से क्या है
हार्मफुल भी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग इस चैप्टर में इस चीज को भी पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। किसको पढ़ेंगे हम लोग कि किस हिसाब से उस प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मेथड को यूज करने के बाद किस तरीके को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसके वजह से हम लोग खाना को खराब होने से बचा सके। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन में। इनसे तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, समझ में इतना आया कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या 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 कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं शुरुआती तौर पर कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने बोला ना कि मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो बताता हूँ। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखें इतना छोटा छोटा होता है कि जो हम खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कांट बी सीन विद नेक्ड आईज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी जीव, एक ऐसा जीव जो कि जिंदा हो। तो ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ऐसा जिंदा चीज जो कि बहुत छोटा हो और इतना छोटा हो कि जिसे हम जो हमारे आसपास को रहता है, जाहिर सी बात जहां मैं हूं ये रूम है तो हर जगह कोई ना कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म तो जरूर ही, लेकिन हमारे चारों आसपास रहने के बावजूद भी हम खुली हुई आंखों से हम नहीं देख सकते। उन्हें हमें देखने के लिए हमें किनका इस्तेमाल करना होगा, हमें उनको मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना होगा। सो नेक्ड आईज हम लोग नहीं देख सकते, उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट है सम ऑफ दिस कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हम लोग मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं ना हम उनके ही जरिए से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं। व्हाइल सम कांट बी सीन, हम लोग कुछ चीजें तो हम इनके बिना भी नहीं देख, इस मतलब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनसे अगर जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से तो दिखेगा लेकिन सारे तो नहीं दिख सकते, जो नहीं दिखेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से तो हम लोग किसको किसकी मदद से देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से हम लोग उन सबको समझने की या फिर देखने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के बात यह हो गया कि भाई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम तो देख तो खुली भी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे और ऐसा ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते तो उन लोग हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से ही ऐसे ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे समझ पाएंगे। तो इन्हीं सबको दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड, इसी वजह से इन्हीं सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, अगर किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो मैंने रिपीट कर दिया है। ओके अब हम लोग थोड़ा सा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पॉइंट को हमने देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होता है, जो उसकी पढ़ाई होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में ही किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी का, वो है दे आर फाउंड इन एयर वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ, हवा में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है। ये इन जो मैंने चार नाम बोले एयर वाटर प्लांट्स एनिमल्स के इन्हीं पे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर होता है, यही पे क्या मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ह्यूमन के लिए फायदा हो या फिर नुकसान हो। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए फायदा हो या नुकसान हो यही सब में क्या रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता उनको होस्ट बोलता है। जैसे मैं हूं, अगर मेरे ऊपर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर रहता है मैं क्या होस्ट कहलाऊंगा, है ना, मेहमान नवाजी। इसीलिए जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जिनके ऊपर
जीन पर, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जैसे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी प्लांट्स पे है तो हम लोग प्लांट्स को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेहमानदारी कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहा है। अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनि सेलुलर। यूनिक का मतलब होता सिंगल, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर सिंगल सेलुलर होते हैं, जो कि सिंगल सेल का बना होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर का, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी, ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी। या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एल्गी एंड फंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। ये क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम देख लें किसको, अमीबा को, तो वो क्या रहता है, वो अकेले में रहता है और ये फ्रेश पानी में रहता है। अक्सर ये समुद्र के जो कोस्टल एरिया होता है बीच साइड में, वो यहीं पे साफ सुथरे पानी में रहता है। और वाइल्ड फंगी एंड बैक्टीरिया में भी लिव इन कॉलोनीज। जो हमारे क्या फंगी हो गया और बैक्टीरिया जो हो गया, वो कहां पे कॉलोनीज बना के रहते हैं, इसका मतलब वो बहुत सारे अपने एक ग्रुप में रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैरासिटिक सेल्स आर कवर्ड विद द हार्ड आउटर कोटेड कॉल्ड सिस्ट। पैरासिटिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो चूसने वाला होता है। जैसे कि जू अगर इंसानों के सर पे होता, वो क्या करता है, ब्लड को शेकिंग करता है, ब्लड को वो पीता है। इसीलिए जो चूसने वाला होता है ना, ब्लड वगैरह हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं, वो पैरासिटिक सेल्स जो कवर किए हुए होते हैं, वो क्या होता है, सिस्ट का होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। जैसे कि अगर जू है, उसको अगर थोड़ा सा मारोगे, थोड़ा सा मजबूत होते हैं हम और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में। इसके लिए उनका सेल क्या तो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, CYST। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किस हिसाब से क्लासिफाई की गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया गया है इनटू फोर ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में किया गया है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, थर्ड में है प्रोटोजोआ, फोर्थ में है एल्गी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है चार ग्रुप में। और इसमें हम लोग एक स्पेशल केस है जिसका नाम बोलते हैं वायरस। हम लोग फिर इसी में वायरस को भी स्टडी करेंगे। हम लोग वन बाय वन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरिया की सारी खासियत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैक्टीरिया क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ये कि एमसीक्यूज में और सब एग्जाम्स में जो इसका क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिंदा चीज है, वो क्या होते है? सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसीलिए अभी मैंने बोला जो कि सिंगल सेलर में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है, तो इसीलिए वो सिंपलेस्ट आपका अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि कुछ आपको एग्जांपल्स दे देगा, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, चार दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको कहां बैक्टीरिया पे टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, जो हमारे पर्यावरण होता है एनवायरमेंट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है हमारे एटमोस्फेयर में, कि किस हिसाब से, जैसे कि 71% हमारे एटमोस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, तो उसको फिक्स करने वाला का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है कंजिस्टिंग ऑफ टू, दो चीजों से बना होगा, एक मेल और फीमेल। और फिजन का मतलब होता है कि जब उसका प्रोडक्शन होता है, फिजन का मतलब डिवाइड में होता है। अगर दो पांच को पैदा करेगा, पांच दस को पैदा करेगा, दस बीस को करेगा, तो जो भी बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का जो बच्चा होगा, या फिर बैक्टीरिया अगर रिप्रोड्यूस करता है अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म को, कौन सा मेथड से करता है, बाइनरी फ्यूजन से करता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, सेकेंड को हम लोग अब देखेंगे किसके बारे में, फंगी के बारे में। फंगी जो है वो क्या होता है, फंगी आर द सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट का मतलब ही मैंने बोल दिया, एक ऐसा जो कि चूसने वाला होता है, जो कि सकिंग करता है और ये होस्ट के ऊपर में ही क्या होता है, वो चिपक के रहता है।
सिंपलेस्ट फंगी आर ईस्ट, जो फंगी के अंदर में आता है वो कौन आता है? ईस्ट आता है। ईस्ट सबसे सिंपलेस्ट क्या है? फंगी है। ओके, नेक्स्ट है, द साइज ऑफ ईस्ट इज 2 से लेकर के 10 माइक्रोन तक किसकी? ईस्ट की साइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फंगी का, वो है फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। फंगी कैसा होता है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट की तरह होता है। इनका जो फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल लाइक मशरूम पफ बॉल ईटीसी। जो फंगी होते नहीं, ये कैसे होते? पेड़ के तरह होते हैं। लाइक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल लाइक मशरूम पफ बॉल। मशरूम और पफ बॉल्स ऐसे होते हैं ना, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। इसीलिए हालांकि फंगी जो है वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जरूर होता है, लेकिन ये क्या करता है? अपना खाना खुद नहीं बनाता है। राइट, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ओके, ईस्ट एंड मोल्ड्स आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ फंगी। अगर फंगी के अगर दो मेन ग्रुप्स के बारे में पूछेगा तो आपको एक का ईस्ट बताना है, दूसरा करना है मोल्ड। मोल्ड्स का मतलब होता है क्या? फफूंदी टाइप। अगर आप देख लिए होंगे सड़े हुए टमाटर हो, या फिर बरसात के दिनों में, ठंडी ठंडी तो नहीं कह सकते, बरसात के दिनों में जब नमी बहुत ज्यादा होता है, आप ब्रेड को या फिर रोटी को आप जब कुछ दिन के लिए अगर बाहर खोले में छोड़ दो तो आपको फफूंदी टाइप का लग जाता है। वो किसके वजह से होता है? मोल्ड नामक एक क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो किसके अंदर में आता है? फंगी के अंदर में आता है मोल्ड, तो उन्हीं के वजह से ही होता है। सो ईस्ट और मोल्ड क्या होते हैं? दो जो मेन ग्रुप्स हैं किसके? फंगी के। फंगी के जो दो मेन ग्रुप्स हैं, पहला का नाम ईस्ट, सेकेंड का नाम क्या है? मोल्ड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फंगी से रिलेटेड। ईस्ट आर यूनिसेल्यूलर। फंगी जो, सॉरी, ईस्ट जो होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेलुलर होता है। वहीं पे जो मोल्ड्स जो होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है वो? मल्टी सेलुलर होता है। वेयर एज मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर, ये कई सारे एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। कौन? आपके मोल्ड्स, फफूंदी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट में भी एरोबिक या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब हो गया जो अब ईस्ट होता है, एरोबिक का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के परजेस में होता है, और एनएरोबिक एक रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के अपसेंट में होता है। इसका मतलब ईस्ट जो है वो एरोबिक भी है, इसका मतलब ये, इसको सांस भी चाहिए जब इसका फॉर्मेशन वगैरह होता है, ईस्ट का ऑक्सीजन भी चाहिए, या फिर ईस्ट ही एक ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके क्या होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब ये बिना सांस के भी या फिर बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है? इसमें रिएक्शन वगैरह हो जाता है जब भी ईस्ट को किसी और के साथ रिएक्शन किया जाए। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। यही है जो कि एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है। कौन? ईस्ट, क्योंकि सिंगल सेल बड़ा कमजोर होता है ये। ओके, नेक्स्ट है, मशरूम्स आर मोल्ड्स। मशरूम्स क्या होते हैं? मोल्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ईस्ट कैन बी स्टोर इन ड्राई फॉर्म अप टू 4 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड टेबलेट्स। ईस्ट को हम लोग कितना? 4 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, के फॉर्म में बना के रखेंगे। बट पाउडर जो होगा बिल्कुल क्या? सूखी होनी चाहिए, और फिर जो टेबलेट्स होंगे वो भी सूखे होने चाहिए। इसलिए ईस्ट को 4 साल तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है, बट इन कंडीशंस ऑफ ड्राई, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, और फॉर्म जो रहेगा पाउडर के फॉर्म में या फिर टेबलेट के फॉर्म में रख सकते हैं। अब देखिए फंगी का नेक्स्ट पॉइंट। फंगी का यह है, ये ज्यादातर किसका है? अब लोग हम जानते हैं कि ईस्ट या फिर हम लोग मोल्ड्स के बारे में ज्यादातर अब बात कर रहे हैं। ईस्ट गेट डिस्ट्रॉयड इन अ फ्यू मिनट्स व्हेन हीटेड अप टू 60 डिग्री। क्या होता है? बड़ा कमजोर होता है। जैसे ही ईस्ट को हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर में लाते हैं, वो क्या होने लगता है? वो डिस्ट्रॉय, वो टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है वो। और फंगी ग्रो इन एनी वेयर बट बेस्ट इन डार्क वार्म एंड डैम्प प्लेसेस। फंगी जो सबसे ज्यादा तो ग्रो होता है वो कहां पे होता है? इनका ज्यादा पैदावार वो रहता है ज्यादातर डार्क अंधेरा जगह में। वार्म का मतलब ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा, बिल्कुल वार्म का मतलब हल्का हल्का गर्म, और साथ में डैम्प प्लेसेस में जो अंधेरा टाइप का जगह होता है ना, वहां पर ये फंगी क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ऐसी जगह पे वो रहना ज्यादा पसंद है।
इसकी जो रिप्रोडक्शन है ज्यादा इन्हीं सब जगहों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेक डाउन ऑफ सुगर टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। कहता है फर्मेंटेशन क्या होता है, जब सुगर किसमें टूट जाता है, जब सुगर किसमें इथाइल अल्कोहल, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब सुगर किसमें टूट जाता है, इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बाय ईस्ट, ईस्ट के साथ जब उसको रिएक्शन कराया जाता है सुगर को, तो वो किसमें इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फंगी डू नॉट मेक देयर फूड। ये क्या होता है, ये अपना खाना नहीं बनाता है, ये अपना खाना नहीं बनाता है, ये क्या होता है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। फंगी स्पॉइल फूड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही किसी भी खाना को क्या कर देता है, ये स्पॉइल कर देता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड में हम लोग, जैसे कि अब तो फंगी ना पैरासिटिक होता है, ये पैरासिटिक का मतलब होता है ये चूसने वाला, ये दूसरे चीजों पे ये चिपक करके या फिर कहीं से अपना खाना लेता है, इसीलिए फंगी अपना खाना नहीं बनाता है कुछ को छोड़ करके। ओके, अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड प्रोटोजोआ मींस द फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का जो मतलब होता है क्या होता है, वो फर्स्ट एनिमल। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एनिमल जो वर्ड है ये किनके लिए यूज किया जाता है, ये प्रोटोजोआ के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैविंग एनिमल लाइफ कैरेक्टर्स। कहता है प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो कैरेक्टर्स कैसी होते हैं, जानवरों की तरह कैरेक्टर होती है, इसकी कैरेक्टर किस हिसाब से होते हैं, एनिमल्स का कैरेक्टर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका जो कैरेक्टर है वो जानवरों की तरह है, तो आप किसमें टिक लगाएंगे, प्रोटोजोआ में लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर। ये क्या होता है, बिल्कुल साफ सुथरे पानी में रहना पसंद करता है कौन, प्रोटोजोआ। लेकिन ये फंगी कहां पे रहना पसंद करता है, डार्क जगह, अंधेरा में, वार्म में, डैम्प प्लेसेस में, ऐसी जगह में रहना पसंद करता है। लेकिन बट प्रोटोजोआ कहां पे रहना पसंद करता है, उनको फ्रेश वाटर में इनकी प्रोडक्शंस होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन वहीं पे होता है, जहां पे वो रहता है वही उनका घर है, इसीलिए साफ पानी में ये रहता है। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोटोजोआ एक्सेप्ट उग लेना कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्या होता है कि प्रोटोजोआ जो है अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन किसको, एक लेना को छोड़ करके बाकी सब अपना खाना नहीं बनाता, सिर्फ कौन बनाता है, प्रोटोजोआ एक्सेप्ट कैन नॉट मेक, बाकी सब अपना खाना बना सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। अमीबा, पैरामीशियम एंड एग्लोना इज सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अरे बात समझ में, इसको पॉइंट को और बेकार देता हूं, प्रोटोजोआ एक्सेप्ट एग्लोना कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये सिर्फ अपना खाना नहीं बना सकते। अब हम लोग कुछ प्रोटोजोआ के और आगे के पॉइंट्स में हम लोग कुछ बात करते हैं, फिर बाकी का और सब को हम लोग देखते हैं एल्गी के बारे में। हमने प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखे हैं, अब हम प्रोटोजोआ से कुछ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से रिलेटेड है इन यूक्लेना, फ्लागेला, अमीबा, सुडोपोडिया, पैरामीशियम, सिल्ला हेल्प इन द मूवमेंट। ऐसा है, ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर हम देख ले यूक्लेना को, फ्लागेला क्या होता है, फ्लागेला एक तो उसको चलने में, फ्लागेला को चलने में कौन मदद करता है, फ्लागेला की मदद से कौन चलता है, यूक्लेना चलता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के अपने पैरों से चलते हैं, एनिमल्स जो जानवर है गाय भैंस तो और सब चीज के अपने पैरों से चलते हैं, इसीलिए ये क्या होता है ना, उतना स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होते हैं जैसे कि पूरी तरीका से ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, इसीलिए उनको स्पेसिफिक कोई ऑर्गन्स नहीं होता उसको मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए यूक्लेना किसे, फ्लागेला की मदद से वो चलता। उसी तरह अमीबा किसकी मदद से चलता, वो है सुडोपोडिया। सुडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो सिंगल सेल का बना हुआ हो, वो अपने आप को ही इस हिसाब से डिजाइन कर लेता है कि वो एक सुडोपोडिया का शेप बना लेता है जब उसको चलने की मदद हो, राइट। सो सुडोपोडिया किसकी मदद से चलता है,
सॉरी अमीबा किसकी मदद से चलता है, सुडोपोडिया की मदद से, वो क्या करता है मूवमेंट करता है। उसी लिए उसी हिसाब से पैरामीसियम भी किसकी मदद से चलता है, ओसिला की हेल्प की मदद से ही वो क्या करते हैं मूवमेंट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं। और आपको एक बात अमीबा के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या होता है नॉन वेजिटेरियन होता है वो, और सब जो जीव होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही मरा हुआ हो या फिर मार करके वो खाते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये बिल्कुल साफ पानी में पाया जाता है, जैसे हमने देखा कि प्रोटोजोआ का बिल्कुल फ्रेश वाटर में उसकी रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इज अ कॉमन डिजीज इन अफ्रीकन कंट्रीज। सो प्रोटोजोआ से ही अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होती है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, कहां पे अफ्रीकन कंट्रीज में, वो किनकी वजह से होते हैं प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। साफ साफ ये क्वेश्चन बनता है कि स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होते हैं प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, कहां अफ्रीकन देशों में। और है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा एल्गी, एल्गी से रिलेटेड पॉइंट्स को अब हम देखेंगे। एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म आर कंटेनिंग क्लोरोफिल। एल्गी क्या होता है आपने देखा होगा, काई जिसे हम कहते हैं ना, ग्रीन कलर का होता है, जहां पे पानी बहुत दिनों से जमा हुआ होता है तो वहां पे एल्गी अपनी आप क्या होते हैं प्रोडक्शन हो जाती है उनकी। तो एल्गी का जो प्लांट है कैसे किसकी तरह है, उसके ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं प्लांट लाइक की तरह, वो प्लांट की तरह होते हैं जो कि जिसमें के क्लोरोफिल होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास ऑफ वाटर। ये मैंने भी बोला ना, जहां पर पानी बहुत दिनों से जमा हुआ रहता है उसी पानी में ही क्या होता है एल्गी अपने आप क्या होते हैं वहां पे उग जाते हैं। एक ग्रास ऑफ वाटर का मतलब पानी में जो घास होता, घास टाइप का होता है ना, तो किसको बोलते हैं एल्गी को बोलते हैं। सो ग्रास ऑफ वाटर एल्गी को बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल प्लांट जैसा ही होता है। द एल्गी विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन फ्री फ्लोटिंग स्टेट आर नोन एज द फोटो प्लैंकटन। फोटो प्लैंकटन क्या होता है, ये फ्री फ्लोटिंग का मतलब होता है ये पानी में तैरता रहता है, ऐसा नहीं कि ये पानी में डूब जाए या पानी में ज्यादा दिन रहने की वजह से ये सड़ जाए, नहीं ये पानी में ही रहता है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब होता है अपना ग्रुप बना लेता है, वो उसी में क्या होता है तैरते रहता है, उसी हिसाब से उनकी लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो फ्री फ्लोटिंग स्टेट में जब वो पाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, सॉरी फोटो प्लैंकटन। नेक्स्ट है एल्गी ग्रोन इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड द मॉइस्ट प्लेस। जाहिर सी बात है ये क्या है, जब ये प्लांट्स जैसा है जिसको पानी नमी बहुत ज्यादा चाहिए तो ये कहते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट्स के मतलब ये पानी में रहने वाला, इनका जो शहर होता है जो एल्गी होता है इनका जो जहां पे रहता है, जहां पे ये पैदा, जहां पे ये पाए जाते हैं वह कहां पे हो जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स का मतलब होता है ये पानी में रहने वाला क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसमें क्या मॉइस्ट प्लेस का मतलब बिल्कुल नमी वाला इलाका है, जाहिर सी बात है जहां पे पानी होगा तो वहां पे नमी तो खुद ब खुद हो जाएगा, इसलिए कहा कुल मिलाकर के ये पानी में रहने वाला एल्गी है। सूखा जगह में कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको पानी चाहिए और साथ में मॉइस्ट प्लेस तो चाहिए ही, सूखे में इनको नहीं तो पानी मिलेगा नहीं तो हमेशा नमी मिलेगा, जिसकी वजह से एल्गी का हमेशा पानियों में होता है या फिर जहां पे पानी इकट्ठा होता है। एल्गी आर मे बी यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। एल्गी जो हमारा वो सिंगल सेल का भी हो सकता है, मल्टी सेल का भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर कहते हैं किसको एल्गी को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेड सी अपियरेंस रेड कलर ड्यू टू द रेड एल्गी डेड फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। कहता है जो लाल कलर का जो हमें समुद्र दिखता है ना सी, रेड सी हमें रेड इसलिए दिखता है क्योंकि उन पानी में जो एल्गी होता है कौन सा रेड कलर का एल्गी क्या होता है तैरते हुए रहता है, इसलिए हमें क्या लाल कलर का दिखाई देता है, कौन रेड सी रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेड सी के अंदर में जो पानी है उसमें क्या होता है जो रेड एल्गी है वो फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है, इन्हीं इनका सरफेस कैसा दिखता है लाल दिखता है, किसका रेड सी का। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी रिप्रोड्यूस बोथ बाय द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मेथड। जो एल्गी जो है वो क्या हो सकता है सेक्सुअल मेथड से भी इनकी जो प्रजाति आगे बढ़ सकता है या फिर वो सेक्सुअल से ही होता है जिसमें इसके सिंगल पेरेंट में आ जाता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में आ जाएगा आपका दो पेरेंट्स होना चाहिए, एक मेल और फीमेल मिलके तभी रिप्रोडक्शन कर सकता है, या फिर एल्गी कौन
सिंगल ही एल्गी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी फीमेल वाले सिर्फ। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। सो मैंने बोला कि बैक्टीरिया भी होता है जो हमारा पर्यावरण में या फिर हमारा एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन के क्या होता है, साइकिल को कंप्लीट करता है। और फिर दूसरा क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है, हमारा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, मतलब हमारा एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का ये भी काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग वायरस के बारे में। वही वायरस जिस वक्त में वीडियो में बना रहा हूं, पूरी दुनिया में COVID-19 का प्रकोप चल रहा है यही वायरस की वजह से। वायरस है COVID-19 जिसे हम कहते हैं, वो हो गया कोरोना वायरस। अब हम लोग देखते हैं वायरस के बारे में। वायरसेस हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। जैसे मैं एग्जांपल में मान लेता हूं, वायरस होता है ना, वो जिंदा भी होता है मरा हुआ भी होता है। जैसे मैं हूं, अगर कोई वायरस अगर मेरे सेल के अंदर अगर है, वो डेड है। क्या है वो? डेड है। जैसे ही वो वायरस मेरे सेल के अंदर किसी भी तरीका से वो घुस जाता है, वो अपने आप में क्या हो जाता है, फिर जिंदा हो जाएगा। इसीलिए जब भी सेल के बॉर्डर लाइन से बाहर रहेगा तो वो डेड रहता है। जैसे ही वो सेल लाइन के इस सेल के अंदर में आ जाता है, जैसे ये सेल के अंदर में एंट्री वायरसेस घुस जाते हैं, वो जिंदा हो जाता है। वायरस अगर सेल से बाहर रहे तो वो मर जाता है। वही वायरस अगर सेल के अंदर मरा हुआ ही, मतलब इस हिसाब से मरता है, बिल्कुल तरह से नहीं होता, बिल्कुल एकदम अब मरा हुआ इसको माने, जैसे ही वो सेल के अंदर में घुसता है वो तो क्या लिविंग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, अपना रिप्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ करता है जब वो सेल के अंदर में वायरस चला जाता है, किसी भी जैसे भी हो। वायरसेस आर पैरासिटिक। फिर मैंने क्या बोला, ये पैरासिटिक होता है, वो इंसान या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में चला जाता है, वहीं से अपना खाना लेता है। जैसे भी COVID-19 का वक्त भी चल रहा है तो कोरोना वायरस क्या होता है, एयर में जैसे ही होता है, जब इंसान के अंदर वो लंग्स में पहुंच जाता है तो वो क्या होता है, अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन तो तभी करेगा जब उसे एनर्जी चाहिए, उसे जिंदगी जीने के लिए एनर्जी चाहिए। वो कहां से लेगा, वो पैरासिटिक हमारे अंदर से ही जो न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, वो क्या करते हैं, शेकिंग करते हैं ब्लड की मदद से। ओके, मेसेंस वायरस वो क्या होता है, कॉज्ड रेड स्पॉट ऑन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में अगर लाल तरह का अगर दाग अगर स्पॉट अगर आ जाए तो वो कौन सा वायरस की वजह होता है, वो होते हैं मेजर्स वायरस के कारण ही मानव शरीर में क्या होते हैं, लाल स्पॉट होता है रेड कलर का। ओके, वायरस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट सेल। ये जो वायरस होते हैं ना, जो स्मॉलेस्ट सेल से भी छोटा होते हैं, इसी वजह से वायरसेस कांट सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। इसी वजह से इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं COVID-19 का जो अभी प्रकोप चल रहा है, तो इस वायरस को साइंटिस्ट लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी तकलीफें होती हैं, क्योंकि आप तो मॉडर्न एज में हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे क्या है, माइक्रोस्कोप से, जिसके हम लोग आसानी से देख लेते हैं। सो वायरस जो है ना, सेल से भी छोटा होता है, इसीलिए हम लोग ऑर्डिनरी या फिर कॉमन माइक्रोस्कोप के जरिए से हमें वायरसेस को अच्छे से नहीं देख सकते, उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। अगर हमें वायरस के बारे में देखना है वायरस के बारे में अगर हमें डीप स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें स्पेशल किस्म का माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, नेक्स्ट वायरस के बारे में, वायरसेस डू नॉट हैव द सेलुलर स्ट्रक्चर। ये इतना छोटा होता है, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि मैं हूं, तो अब कोई भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, बिल्कुल ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। अब छोटे छोटे चींटी को देख लें, फिश को देख लें, उससे भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर देखते हैं तो, और सबका भी एक बिल्कुल क्या होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सेल इतना छोटा, सॉरी माइक्रो वायरस इतना छोटा होता है कि इस वक्त इसका ना सेलुलर स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता। सॉरी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग रात के 2:30 से 3 बजने का टाइम हो गया, मेरे ख्याल से अभी 2:30 या 3 रात बज चुका है अभी, इसलिए थोड़ी सी मुझे भी ना नींद आ रही, इसलिए थोड़ा सा वर्ड्स इधर से उधर हो जाते हैं, माफ करना ठीक है, लेकिन मैं समझा सही रहा हूं आपको।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, वायरसेस हैव आदर डीएनए या आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। जो इनके जेनेटिक मटेरियल्स होता है, इंसान जैसे मैं हूं, मेरे भी अंदर में एक जीन है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसी तरह से वायरस को भी क्या होता है, डीएनए भी होता है। डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, उसे आरएनए भी होता है, एज देयर जेनेटिक मटेरियल, उनके जेनेटिक मटेरियल्स में डीएनए भी होता है, साथ में आरएनए भी होता है। इसीलिए इतना क्या है, ये बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनिजम्स में से एक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बहुत शक्तिशाली होता है ये वायरस। वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने वही बात अभी मैं आपसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बात मैंने पहले बोला कि ये है वायरस जो है ना, अपना रिप्रोड्यूस कहां करेगा, जब वो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। राइट, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है, राइट, मैं मान लेता हूं कोविड-19 के वजह से अगर कोरोना वायरस की बीमारी हो गई, इसका मतलब उसके अंदर में क्या है, कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। और उसका जिस इंसान को कोविड-19 की वजह से कोरोना वायरस हुआ है, इसका मतलब वो आदमी होस्ट की तरह काम करेगा और गेस्ट की तरह कौन काम करेगा, सही पकड़े आप, कौन करेगा, कोविड-19 का जो वायरस है वो गेस्ट की तरह काम करेगा। जिसको बीमारी हुआ है, कोरोना वायरस जिसको हुआ है, वो होस्ट की तरह काम करेगा। इसीलिए जब तक वो कोरोना वायरस जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक तो वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में नहीं जाएगा, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर वो बाहर में है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपको प्लीज जब भी आप इसको आप देखने के लिए बैठते हैं, मेरे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, जितने मेरे आ चुके हैं, प्लीज आप बिल्कुल एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप बिना नोटबुक के ना बैठें, इसको जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर ढंग से इस सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते। इसको क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। अगर आपको समझना हो तो प्लीज आपको प्रॉपर आपको नोट डाउन करना होगा, पेन डाउन करना पड़ेगा, जैसे भी आप किसी कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूल में करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।